आखिर कितना पैसा कमा लेते हैं ब्रॉक लेसनर रोमन रेंग्स एक साल में? कितना पैसा पे करती है WWE अपने टॉप चैंपियंस को? इस वीडियो में रिवील करेंगे कि साल 2021 में WWE के कौन से 10 रेसलर सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। इस लिस्ट में हमें ब्रॉक लेसनर से लेकर रोमन रेंग्स का नाम भी देखने को मिलेगा, पर नंबर कौन सा है इनका करेंगे दोस्तों इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। WWE के कुछ सुपरस्टार दुनिया के सबसे अमीर एथलीट्स में काउंट करे जाते हैं। कुछ सुपरस्टार्स तो मिलियंस में कमाते हैं और कुछ सुपरस्टार्स को मिलियंस कभी देखने को भी नहीं मिलते। पर हमारी लिस्ट में टॉप 10 रेसलर्स में नंबर 10वें पे है डॉल्फ ज़िगलर। डॉल्फ ज़िगलर एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। इस उम्र में भी डॉल्फ ज़िगलर आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि $1.5 million का कॉन्ट्रैक्ट WWE से लेके रखते हैं। अगर मैं रफली कैलकुलेट करूं इंडियन रुपीस में तो 11 करोड़ रुपए एक साल में टॉप सिग्नर कमा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी लिस्ट में है प्राइस फाइटर मींस केविन ओवंस। केविन ओवंस एक फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन है, मंडे नाइट रॉ के सितारे हैं। डॉल्फ ज़िगलर के बाद केविन ओवंस $2 million एक साल में कमा लेते हैं। केविन ओवंस का कॉन्ट्रैक्ट कमाई WWE के साथ $2 million की है। अगर मैं इनको इंडियन रुपीस पे रफली कैलकुलेट करूं तो 15 करोड़ रुपए प्राइस फाइटर प्राइस के तौर पे एक साल में अपने घर ले जाते हैं WWE के कॉन्ट्रैक्ट से। इसके बाद दोस्तों हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पे है WWE के हॉलीवुड सितारे आई एम ऑसम डांसिंग विद स्टार्स का मिस। मिस का कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों $2.5 million का है, यानी कि इंडियन रुपीस में 18 करोड़ रुपए का मिस WWE से एक साल में कमा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पे है सेथ फ्रीकिंग रोलिंग्स, फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन। 36 साल की उम्र में ही $3 million का कॉन्ट्रैक्ट WWE से हासिल कर चुके हैं, यानी कि देखा जाए तो 22 करोड़ रुपए सेथ फ्रीकिंग रोलिंग्स मंडे नाइट रॉ के फ्यूचर चैंपियन हमें WWE से एक साल में कमाते हुए दिखते हैं। 6ठे नंबर पे है हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग का कॉन्ट्रैक्ट भी एक साल का $3 million का ही है, यानी कि 22 करोड़ रुपए। पर गोल्डबर्ग को 6ठे नंबर पे रखने का रीजन है कि गोल्डबर्ग के 22 करोड़ रुपए सिर्फ 4 मैचेस खेलने के लेते हैं। देखा जाए तो करीब और करीब हमें गोल्डबर्ग की एक मैच की फीस 5.2 करोड़ से भी ज्यादा की है, यानी कि गोल्डबर्ग बनते हैं हमारे 6ठे नंबर पे। 5वें नंबर पे हैं दोस्तों फिनोमिनल एजे स्टाइल्स, जिनका कॉन्ट्रैक्ट ईयरली $3.5 million का है। देखा जाए तो द फिनोमिनल वन जो पिछले 6 साल से WWE की जान बने हुए हैं वो 26 करोड़ रुपए एक साल में कमाते हैं। पर 4ठे नंबर पे है द वाइपर लेजेंड किलर रेंडी ऑर्टन, जिनका कॉन्ट्रैक्ट जंप मारता है $4.5 million पे, इंडियन रुपीस में 33 करोड़ रुपए रेंडी ऑर्टन एक साल में WWE से कमा लेते हैं, जो रेंडी ऑर्टन के हिसाब से थोड़े कम है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं उन 3 रेसलर्स की जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। 3रे नंबर पे है करंट यूनिवर्सल चैंपियन बिग डॉग ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स। रोमन रेंग्स यूनिवर्सल चैंपियन, WWE चैंपियन और इस वक्त रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। रोमन रेंग्स का करंट कॉन्ट्रैक्ट उन्हें $5 million WWE से एक साल में दिलवाता है। रोमन रेंग्स को और भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं, पर 37 करोड़ रुपए रोमन रेंग्स एक साल में WWE से कमाते हैं, यानी कि बिग डॉग ट्राइबल चीफ की कमाई एक साल में 37 करोड़ की है। दूसरे नंबर का नाम सुन के तो आप हिल ही जाएंगे। यह एक फॉर्मर WWE चैंपियन और फॉर्मर फेस ऑफ द कंपनी जॉन सीना। जॉन सीना को WWE एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट देती है
चाहे जॉन सीना मैच खेलें या ना खेलें, WWE ईयरली जॉन सीना को 8.5 मिलियन डॉलर्स पे करती है। देखा जाए तो 63 करोड़ रुपीस WWE जॉन सीना को बिना मैच खेले ही पे करने को तैयार है। पर नंबर वन दोस्तों रेसलर है इस दुनिया का जो सबसे ज्यादा पैसे WWE से कमाता है, और ये है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन 44 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले रेसलर हैं। कहा यह जाता है कि ब्रॉक लेसनर अगर अपनी बाकी जिंदगी में कोई पैसा ना भी कमाए और ऐसा ही लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करे, खर्चा करे, तो भी उनका बैंक बैलेंस कभी जीरो नहीं होगा। बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ 12 मिलियन डॉलर का है, यानी कि ब्रॉक लेसनर WWE से एक ही साल में 89 करोड़ रुपीज कमा लेते हैं। यानी कि WWE से टॉप 10 रेसलर जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं उसमें ब्रॉक लेसनर नंबर वन है, जो कि देखा जाए तो एक पार्ट टाइम सुपरस्टार भी हैं। अगर रेगुलर सुपरस्टार्स में देखा जाए, फुल टाइम सुपरस्टार्स में देखा जाए, तो रोमन रिंग्स 5 मिलियन डॉलर्स के साथ इस लिस्ट को नंबर वन पे टॉप करते, पर बीस्ट इनकार्नेट और जॉन सीना दोनों ही रोमन रिंग्स को बीट करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 10 लिस्ट, आपके अकॉर्डिंग WWE से सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला सुपरस्टार कौन होना चाहिए था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।